नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों बूर एग्री इंप्लीमेंट कंपनी को आप जानते हैं, जो कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के साथ साथ मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी आपके लिए लेके आते हैं। और किसान भाइयों इतने पसंद करते हैं इन थ्रेशरों को कि हमेशा इनकी डिमांड बनी ही रहती है। और बूर इंप्लीमेंट कंपनी हर साल अपने थ्रेशर में कोई ना कोई एक ऐसा अपडेट लेके आती जो कि इस थ्रेशर को सबसे बेस्ट बनाने में मदद करता है। तो आज के इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर में ऐसा स्पेशल क्या है, क्या इन्होंने नया अपडेट कराया, इसके बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी की ओर से नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, क्योंकि इसमें एक ऐसा चेंज दिया गया जिस पे आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं स्वागत नरेंद्र जी का। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, बस बढ़िया सर, आपके सुनाइए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जी। तो सर सबसे पहले तो इस थ्रेशर का नाम क्या दिया है इस बार? एक्चुअली आपको पता ही है कि कंपनी एक डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट नाम से जो है हर साल थ्रेशर लॉन्च करती है। जी बिल्कुल, जैसे 4x4 कॉम्बो। 4x4 कॉम्बो जिस फंक्शन के लिए मशीन बनी गई है वैसा नाम सूटेबल हो, इसलिए कंपनी उसका नाम रखती है। ठीक है, तो हमने इसका नाम रखा है 4x6। 4x6, 4x4 तक तो ठीक था, ये 6 क्या हो गया ये समझाएंगे। एक्चुअली क्या है, जो लास्ट थ्रेशर आपने 2022 में आपने वीडियो शूट किया था, बिल्कुल उसमें 4x4 का मतलब था कि उसमें 4 फैन थे। जी बिल्कुल, उसकी 4 स्पीड थी और ये रूटर था इसकी भी 4 स्पीड थी और जो फीडर बॉक्स था ये इसकी भी 4 स्पीड थी। ठीक है, तो स्पीड ओवरऑल 4x4 ही थी इसकी। ठीक है, अभी कंपनी ने क्या रिसेंटली लॉन्च किया है, बाकी स्पीड सारी सेम है। ठीक और है, ये जो रूटर है थ्रेशिंग जिसको ड्रम बोल देते हैं हम लोग, बिल्कुल इसकी स्पीड हमने 6 कर दी है। ठीक है, हाँ ये बेनिफिशियल कहाँ है, जैसे कि बारीक फसल होती है, जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें स्पीड की एडजस्टमेंट ज़्यादा रहती है और ये ऐसा मॉडल है कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी फसल के ऊपर लगभग ये आप चला सकते हो, 100% ये कामयाब रहेगा। स्पीड कैसे करेंगे ये समझेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, नीचे हमने 3 पुली दी हैं, 3 पुली नीचे दी गई हैं और 3 पुली ऊपर दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्रॉप में ऐसी एडजस्टमेंट चाहिए कि ऊपर वाली पुली खोल के नीचे चाहिए और नीचे वाली ऊपर चाहिए, तो ये तीनों पुली आप ऊपर डाल सकते हो और ऊपर वाली 3 पुली नीचे डाल सकते हो। मतलब 3 स्पीड तो अभी इससे चेंज कर ही रहे हैं। बिल्कुल, वो ऊपर की नीचे आ जाएंगी, 3 स्पीड और मिल जाएगी अपने को। बिल्कुल सर जी, 6 स्पीड मिल जाएंगी। क्या बात है, इसीलिए 4x6। 4x6 इसका 4x4 का तो है ही है इसमें, लेकिन उसको 6 कर दिया, अपग्रेड वर्जन है। बिल्कुल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये तो बात होगी थ्रेशर की, आपने जो इस साल अपडेट करा, अब बताइए इसका ऑल ओवर रिव्यू एक मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं हमारे भाइयों को। चिंग्स हैं जिसमें हमने और चेंजेस किए हैं, वो बिल्कुल मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये आगे वाला फैन है ब्लोवर फैन, ठीक है, इसका साइज कंपनी ने बढ़ा दिया है। बढ़ाने का कारण क्या है कि जो ये फिल्टर रहता है जिसमें से माल छन के नीचे आता है, आगे वाला छोटा फिल्टर जिसको जाली बोलते हैं छोटे वाला, कुछ फसलों में उसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए थी। पहले कंपनी का साइज था 14 इंची, अब इसने बढ़ा करके हमने 18 इंची कर दिया है। ठीक है, उसकी वजह से फैन की ब्लोवर की स्पीड हमने बढ़ा दी है। और सेकंड इसमें हमने क्या किया कि ऐसे ये जाली रहती है फिल्टर जो छनने वाली जाली रहती है, उसका साइज भी हमने 4 इंची चौड़ाई में विड्थ में और प्लस 4 इंची लंबाई में उसको बढ़ा दिया है। उसमें माल की क्लीनिंग जो है वो छन्ना चौक नहीं होता और उसकी सफाई उसकी क्लीनिंग ज़्यादा बढ़िया जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक कॉल और ब्रीफ कर दें इसको थ्रेशर के बारे में, सारी डिटेल बता दें। बिल्कुल, जैसे यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं सर, सबसे पहले मशीन का यही फीचर आता है कि मशीन PTO यहाँ से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें अपने फ़ैन की 4 स्पीड हैं, हाई मीडियम लो हाई पूरा। बिल्कुल ठीक है जी, और जैसे आप देख सकते हो इसमें अगर वो साइड जो वर्म है इसके लिए भी हमने डबल बेल्ट दिया हुआ है इसी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल बेल्ट है, कई कंपनियाँ जैसे सिंगल बेल्ट देती हैं, इसमें डबल बेल्ट जाता है उधर। ठीक है, और ये जो स्विच आ गई है, जैसे आपको लाइट का आपको पता ही है कि हम लोग लाइट का एक फीचर बहुत बढ़िया देते हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे पसंद आने वाली चीज़ इनबिल्ट हो गई ना पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कस्टमर को कुछ भी एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है। जैसे आप स्टिकर दे सकते हो 4x6 का, ये मॉडल हमने 2023 में अभी लॉन्च किया है। ठीक है, बिल्कुल, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, ये एलिवेटर है। ठीक है, एलिवेटर का भी थोड़ा साइज हमने बढ़ाया है, इसके अंदर कुछ एलिवेटर में दाना टूटने की या ऐसी कोई शिकायत रहती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है, वो ब्लोवर है, ये रिटर्न ग्राइंडर इसको बोल देते हैं, जैसे माल की क्लीनिंग दोबारा करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, तो इसमें से आप माल की सफाई करनी है वो दोबारा कर सकते हैं। ये सर जैसे आपका रहता है माल की क्लीनिंग के लिए, अगर वैक्यूम वैक्यूम आप कह सकते हो उसको, इन द सेंस में ये तो होता है स्पीड इसकी कम करने के लिए। बेसिकली कंपनियां क्या देती हैं, इसको सिर्फ ऊपर नीचे करने का ऑप्शन देती हैं। हाँ, कि इसको ऊपर कर सकते हो नीचे कर सकते हो, लेकिन आप इसकी इसका प्रेशर भी कम करना है वैक्यूम का,
तो वो आप वैक्यूम का प्रेशर यहाँ से कम कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि हो सकता है वो ऊपर करने के बाद भी मान लो कोई फसल उठ ही रहा है तो उसका प्रेशर तो कम करना पड़ेगा। प्रेशर तो रहेगा ना उसका, ऊपर करने के बाद भी उसका प्रेशर रहता है, अपने को नीचे भी करना है और प्रेशर भी कम करना, तो यहाँ से आप इसका प्रेशर कम कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है सर इसकी। बिल्कुल, बाकी ये अंदर की प्रेशर कंट्रोल का। हाँ, जैसे दाना उठ रहा है, अगर आपको भूसा ज़्यादा उठाना है कम उठाना है तो आप इसको बाहर से ही इसका जो प्रेशर है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये जो ब्लोवर है साइड वाला, इसकी भी हवा आपने अगर प्रेशर कम करना है तो यहाँ से इसका भी प्रेशर आप कम कर सकते हैं। ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टूल बॉक्स हो गया। ये टूल बॉक्स हो गया सर। ये ऊपर चढ़ने की दोस्तों सीढ़ी दी गई है ताकि अगर ऊपर जाना है तो बड़ी आसानी के साथ अपन जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये रखने के लिए जाल, जैसे कस्टमर किसान भाई खेत लेके जाते हैं जाल या वहाँ से लेके आते हैं तो रखने के लिए जगह नहीं होती या गिर जाते हैं, तो ये हमने ये एक चेन टाइप में दिया गया है। जितने भी पीस आप रखना चाहें ऊपर, जितने भी पीस रखना चाहें, रखने के बाद उसको टाइट कर सकते हैं आप यहाँ। मतलब ये उसमें लगा के, मतलब इसमें फिर लगा के टाइट कर देंगे जितना। हाँ, जितने पीस भी रखना चाहें वो रख के आप टाइट कर सकते हो इसमें। और जब ये फिक्स में आ जाएगा तो हिलने का काम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा लगाया वैसा का वैसा आखिरी तक रहेगा। बिल्कुल। अब टायरों की तरफ आ जाते हैं, आपने टायर काफ़ी एंटिक दिए हैं और प्लस ऊपर मड़गाट। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, ये कस्टमाइजेशन है टायरों के अंदर। ठीक है, आप छोटे टायर नॉर्मल भी ले सकते हैं, ये बड़े टायर हैं, 16 नंबर के भी आते हैं इसमें, 18 नंबर का भी टायर, ये 18 नंबर का टायर है। ठीक है, जैसे कुछ हिली एरिया है या रेतीला एरिया है जहाँ मिट्टी में धस जाती है मशीनें, रेगिस्तान का जो एरिया है तो उसमें ये बड़े टायर काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। और ये जो फीचर हमने एक्स्ट्रा दिया है इसमें, इसमें सस्पेंशन दिया है। अच्छा। ये आपको एक चलती की हम लाइव वीडियो भी दिखाएंगे ये कैसे काम करता है। इसमें स्प्रिंग दिया गया है नीचे, शॉक टाइप में, एब्जॉर्बर टाइप में ये काम करता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ लाइट दी गई है, छलने पे उजाला देगी। रात के वक्त भी अगर आप थ्रेशर चला रहे हैं तो आप छलने पे क्या चल रहा है वो आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं जी भाई। पीछे लाइट तो आपने भी लगा रखी है, लेकिन वो अंदर की तरफ लाइट देने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, थैंक यू। अब सर टोकरी पे आ जाते हैं, बास्केट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो बास्केट है ये 5 फिट की है, 60 इंची की है। जो लास्ट जो 2022 में हमने जो ये 4x4 लॉन्च की थी उसमें गियर हैंडल जो था वो इस साइड में था, अभी हमने शिफ्ट उस साइड में कर दिया है। ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग करने में थोड़ा इजी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर ये चैन या वो दूसरे रोलर नहीं है, ये गोल राउंड वाले रोलर हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि माल चौक भी नहीं होता, फंसता भी नहीं है और गीला माल भी आसानी से अंदर ले जाते हैं जी। बिल्कुल। और बाकी दोस्तों अगर कभी रोटर ओवरलोड हो रहा हो तो यहाँ से आप उठाएंगे, बिल्कुल रोटर खाली हो जाएगा इसका। बिल्कुल, ड्रम खाली हो जाएगा। टोकरी बहुत बड़ी है, बहुत शानदार टोकरी दी गई है। तो लीवर तो जैसे आपने वहाँ से यहाँ दे दिया तो रिवर्स फॉरवर्ड ही है? नहीं, ये न्यूट्रल भी हो जाता है और ये रिवर्स भी हो जाएगा, फॉरवर्ड ही हो जाएगा, इसी लीवर से हो जाएगा यहीं से। एक ही स्पीड पर चलेगा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे अलग अलग ट्रैक्टर के ऊपर, अलग अलग फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास गीला माल है तो आप इसको 1 नंबर पे चला सकते हो, सूखा माल है 2 नंबर पे चला सकते हो, और सूखा माल है 3 पे चला सकते हो, अगर ट्रैक्टर भी बड़ा है माल भी सूखा है तो 4 नंबर पे भी चला सकते हो। कहाँ लगेंगे वो ऑप्शन कहाँ? बिल्कुल, ये आपको दिखाता हूँ मैं, आ जाइए। जैसे 2 स्पीड तो इसकी यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये लो पे सेट किया हुआ है कंपनी ने, इसको अगर ये बेल्ट आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये हाई पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और तेज करना है 2 स्पीड यहाँ से हो जाएंगी और 2 स्पीड इसकी यहाँ से हो जाएंगी। अगर ये बोल्ट खोल करके आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये गियर हाई पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 2 स्पीड यहाँ से, 2 स्पीड यहाँ से, 4 स्पीड तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा 4x6 का मतलब क्या है फिर? कोई 4 तो मिलनी चाहिए, कोई भी स्पीड मिले, 4 तो कम से कम है। बिल्कुल। तो सर इधर के फीचर के बारे में बात करें, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ बेयरिंग की क्या साइज है? बहुत बड़े नहीं लग रहे पिछली बार के मुकाबले में? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये 14 नंबर बैरिंग है। नॉर्मल जो थ्रेशर वो डालते हैं, जैसे 12 नंबर बैरिंग आता है, 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर भी तक भी लोग डाल देते हैं। ये शाफ्ट का साइज़ 3 इंची है और बैरिंग का साइज़ 14 नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा है हैवी बैरिंग है सर। ये वर्म की साइज़ क्या? वर्म लगभग 7 इंची राउंड में ये वर्म है सर। ये नट वो लोक नट वाले के? बिल्कुल बिल्कुल, ये नाइलोक नट हैं सर। जैसे मशीन चलने के बाद, वाइब्रेशन करने के बाद कभी नट बोल्ट डिले हो जाते हैं तो 90% बोल्ट आपको नाइलोक नट में ही मिलेंगे, ताकि ये अपने आप लूज होने के बाद नहीं गिर सकता। ये चेंज करना कितना आसान है? छलना तो सर इसमें चाबी पाना उठाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट ये 2 ये पत्तियाँ हैं इसको रिमूव करके और यहाँ खोल के
एक बंदा आसानी से विद इन, आप ये मानो कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों छन्नी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई वो नहीं है तो। ठीक है। और ये जो आई बोल्ट बोलते हैं हम इसको, इससे आप जाल की जो हाइट है, भूसा बारीक करना है, मोटा करना है, तो यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। ये प्रेशर प्लेट? हाँ जी, एक प्रेशर प्लेट उस साइड में थी और ये प्रेशर प्लेट सेकंड है, दूसरी प्रेशर प्लेट है। ठीक है। और ये जो पीटीओ है हम लोग देते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी की, बढ़िया कंपनी की पीटीओ है। और इसके नीचे ही जैसे आप वो एक स्टैंड देख रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी जाली फिल्टर वगैरह लग के किसान वहाँ लेके जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल। ऊपर भी रख रहे हो जाल सेट, ऊपर रख रहे हैं, छलने नीचे आ जाएंगे? हाँ, छलने नीचे आ जाएंगे सर, बिल्कुल। ठीक है। और ये दोस्तों जैसे दिया गया कि मान लो अगर फसल में सिर्फ कोई कंकर पत्थर टाइप से ही है, यहाँ गिरा आप नीचे गिरा के ढेरी कर सकते हैं। जैसे एक भूसा है, भूसा बारीक प्रॉपर तो यहीं से निकलेगा, अगर कुछ भूसे के बाद कुछ डंठल या कुछ मोटा भूसा ऐसा निकल जाता है जो काम में आपको नहीं लेना है, तो वो यहाँ से आप बाहर भी गिरा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसका दोबारा भूसा बने तो इसको आप फोल्ड करके ऊपर रख सकते हो, वो नीचे चला जाएगा, दोबारा वापस जाएगा, दोबारा टोकरी के अंदर जाके थ्रेशिंग दोबारा होने के बाद इसका भूसा बन के फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। ये देने का क्या कारण है? ये एक तो सर ये यहाँ से आप इसका जो फिल्टर रहता है वो फिल्टर चेंज कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा यहाँ से रहता है कि जो वहाँ से हवा प्रेशर की वजह से जो यहाँ आती है तो बाहर नहीं जा पाती, इससे टकरा करके वो वर्म के अंदर चली जाती है और वो भूसा और वो कुछ दाने अगर आएंगे तो वो दोबारा रिटर्न हो जाते हैं उसी के अंदर। अच्छा अच्छा सर। तो सर ये भी भूसा ही आता है इसमें से? जी बिल्कुल, भूसा आता है। जैसे ये वैक्यूम है, ये वाला जो वैक्यूम देखा आपने, अगर ये भूसा उठाएगा तो कुछ ना कुछ फसल ऐसी होती हैं जिसमें से भूसे के साथ कुछ ना कुछ दाना भी आने लग जाता है। ठीक है। आपको माल की क्लीनिंग भी ज़्यादा चाहिए और दाना भी नहीं उठना चाहिए, तो उस केस में आप इसको बंद कर सकते हैं। भूसा, भूसे में कुछ दाने आ रहे हैं? हाँ, तो ये इसको अगर आप बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये रिवर्स पाइप में से होता हुआ जो वो सारा कचरा है या बारीक दाना है वो सारा दोबारा थ्रेशिंग ड्रम के अंदर चला जाएगा। क्या बात है नरेंद्र जी, मशीन यकीनन बहुत बढ़िया है, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आने वाली है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर साल आप इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लाते हैं ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है और वाकई में जरूरत भी है, R&D हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है सर कि हमारे साथ किसान भाई लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, उन किसान भाइयों को इस मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर देखना भी चाहें जाके तो कैसे देख पाएंगे, कैसे खरीद पाएंगे खरीदना चाहें तो? जी, HLE कंपनी के लगभग काफ़ी स्टेट्स में डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। ठीक है। जिनका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, तो उनसे बात करके वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप मशीन की जानकारी, मशीन को देखना है, चलती देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और कीमत वगैरह पूछनी है तो वो भी आपको बता देंगे सर। ठीक है। अब जैसे कि आपने बताया कि बहुत से स्टेट में, मतलब सभी स्टेट में तो नहीं है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इंक्वायरी आती, तो फिर हाँ वो एक कंपनी का आपको नंबर दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ नहीं है तो वो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको सीधा डायरेक्ट कंपनी से भी आपको मशीन प्रोवाइड हम लोग करवा देंगे जिस स्टेट में डीलर नहीं है। चलो ये बहुत बढ़िया कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। 4x6 थ्रेशर कैसा लगा कमेंट करके बताओ। कोई ज़्यादा इंक्वायरी आपको अभी भी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक करें और वहाँ से बात कर सकते हैं। और वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे, मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो नरेंद्र जी बहुत बढ़िया थ्रेशर दिखाया हमारे किसान भाइयों को आपने, यकीनन हमारे किसान भाइयों को पसंद आया होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, हमारी वीडियो शूट करने के लिए। बिल्कुल, अच्छी चीज़ों की जगह पहुँच ही जाता हूँ मैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे तो भी हमें फॉलो करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।